हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू ब्यूटी रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिन के पांच मिनट आपको देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ठंडी ठंडी फ्रेश पपाया, जो कि आप देख सकते हो। तो अभी गर्मी की सीजन में गर्मी इतनी तेजी से पड़ रही है ना कि स्किन पूरी ब्लैक हो जा रही है। डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं या मिलाजा पिगमेंटेशन है, तो वो और भी ज़्यादा डार्क होती जा रही है क्योंकि गर्मी से सब परेशान है, स्किन केयर नहीं हो पा रही है। सो जिसको पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, वो ज़रूर ये जो रेमेडी है ना, वो ज़रूर ट्राई करें। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी तामझाम नहीं करना है आपको। सिर्फ पपाया लेना है, वन पीस आपको कट करना है, उसको पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद सिंपली आपको मैश करके बाउल में रख लेना है। अगर आप चाहते हो कि कुछ और इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो आप हनी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे पील ऑफ किया, इसका मैश, इसको थोड़ा सा मैश किया, इसको अच्छे से प्यूरी की तरह जैसे बनाया। उसके बाद मैं अपने फेस पे, ओवरऑल फेस पे अप्लाई मैंने कर लिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने अपने फेस पे रखा हुआ है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और ये देखिए ग्लो, कितना सुंदर फेस लग रहा है, कितना ज़्यादा एकदम साफ, और जैसे लग रहा है कि मैंने एक फेशियल किया है। पर अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे फेशियल वाला ग्लो चाहिए ना, तो पपाया से अच्छा कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क सर्कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास, बहुत सारे कि डार्क सर्कल के लिए कुछ बताइए। तो डार्क सर्कल के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, हल्दी लेना है, बेसन लेना है, उसमें टोमेटो का रस आपको निचोड़ के डाल देना है, मिक्स कर लेना है अपने आँखों के चारों तरफ इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आपको राउंड एंड राउंड इसको पैक लगा के मसाज देना है, जिससे भी जो भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जो ब्लैक ब्लैक जैसे जमी रहती है ना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे तो रिड्यूस होती है और बहुत काफ़ी लाइट हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कम कर सकते हैं। बहुत ही जेंटल आपको मसाज देना है, बहुत ही जेंटल, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, क्योंकि आँखों के पास का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सो आप देख सकते हो कि आइस के पास ऐसे करने से स्किन कितना क्लियर लग रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जेंटल मसाज, इसके इस पैक मसाज के बाद आपको जेल मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एरिया जो होता है ना बहुत सेंसिटिव होता है। सो एलोवेरा ओवरऑल आइस के पास आपको लगा लेना है। तो अंडर आई आपको अच्छे से लगा लेना है और ये देखिए प्रेशर पॉइंट पे आपको प्रेस करके ही आपको मसाज करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करेंगे तो आपको आंखों की बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा, और जो भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफी आईज हो जाते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से अपनी आंखों का, अपने डार्क सर्कल्स का ध्यान रखती हूँ कि मेरी आंखों पर डार्क सर्कल्स ना हो। आप ज़रूर ये ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये देखिए बहुत ही जेंटल, बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज हो गया आँखों के पास का। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों की जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी हो, किसी भी टाइम आप मैसेज करिए, आप ये मत सोचिए कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों की रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय बाय।